अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट एवर एक रूटीन टाइप का जो व्लॉग था, आप लोगों ने उसको पसंद किया और कमेंट्स भी मैंने रीड किए और आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा था। वीकेंड की सुबह है और शुरुआत हुई है नाश्ते से। मेरा नाश्ता सेम ही है, वही चाय, पराठा, अंडा। लेकिन किरत के लिए यहाँ पे सेक रही हूँ एक ब्रेड का स्लाइस, साथ में उसको भी चाहिए एग और अ ग्लास ऑफ मिल्क। पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने पराठे का ब्रांड पूछा, तो वो है दीप। और चाय आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ टपाल दानेदार। लिप्टन भी इस्तेमाल की, पीजी टिप्स भी यूज़ की, लेकिन बैक टू टपाल दानेदार अगेन। अब जैसा कि यहाँ पर सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में मैं ज़्यादातर चाय में हरी इलायची और समटाइम सिनेमन भी, ये दोनों चीज़ें ऐड करके चाय बनाती हूँ, क्योंकि गले के लिए ये अच्छी रहती हैं। और यहाँ पर किरत का नाश्ता तैयार हो चुका है। अनाया को सीरियल दिया है, उसका फेवरेट, और ये लोग अब नाश्ता करेंगे। नहीं है। यम्मी? Is it yummy? You like it? I like this breakfast. Say yummy, yummy. No. No? I like my breakfast. Yummy. Good job. चलो आप लोग अपना ब्रेकफास्ट करो, अब मैं अपना करती हूँ। ओके ओके अनाया, ओके 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 अनाया, ओके ओके। वैसे हम सब ब्रेकफास्ट एक ही टेबल पर करते हैं, लेकिन किरत आज अपने टेबल पर बैठ गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अनाया उसको कॉपी ना करे। बच्चों की ऐसी मासूम छोटी छोटी ख्वाहिशात और खुशियों को पूरा करना अच्छा लगता है, देखकर खुशी होती है, दिल को सुकून मिलता है। जब तक सुबह की चाय नहीं पियो तो ऐसा लगता है कि सुबह ही नहीं हुई। तो खैर, यहाँ पर मेरा नाश्ता भी तैयार हो चुका है और बच्चे जो हैं वो नाश्ता कर चुके हैं। थैंक यू। किरत ने ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया। What a good girl. Say alhamdulillah. Gugu. Gugu. Hello. Hello. नाश्ता फिनिश करने के बाद किरत जिद करने लगी कि पार्क में खेलना है। तो मैंने उसको समझाया कि इट्स नॉट पॉसिबल, बाहर बहुत सर्दी है, पार्क में नहीं खेल सकते, वी कैन प्ले इनसाइड। बट उसको समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है जैकेट पहनो, फिर मैं बाहर लेकर आई। खैर, पार्क तो हम नहीं गए, लेकिन वही जो घर के आगे जगह है बैठने की, वहीं पर ही बैठ गए और मैंने अपनी चाय भी वहीं पर फिनिश की। लेकिन अब चूंकि बाहर आ ही गए थे, तो सोचा थोड़ी सी बाहर की सैर और बाहर का व्यू आपको भी दिखाती चलूं, क्योंकि आँखों को बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप पिछली वीडियो देखें तो उसमें जो मैंने बाहर का व्यू दिखाया 2-3 हफ्ते पहले का, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अब कुछ और ही यहाँ पर समा जो है वो बन चुका है। फॉल का सीज़न है, पत्ते झड़ रहे हैं, और ये है फेमस मेपल लीफ। तो कनाडा के झंडे पर भी यही पत्ता बना हुआ है। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि ये जो पत्ता है मेपल लीफ, जिस दरख्त पर उगता है, यानी कि मेपल ट्री, उस ट्री से एक सिरप हासिल किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड मेपल सिरप। वो यहाँ कनाडा में पैनकेक के ऊपर डाल के खाते हैं, तो बहुत मज़े का लगता है। मेरा वो फेवरेट है, मुझे शहद से भी ज़्यादा इसका जायका पसंद है। माशाल्लाह, जिस तरफ निगाह उठती है कुदरत के रंग नज़र आते हैं। कोई दरख्त ऑरेंज है, कोई ग्रीन, कोई येलो, तो कोई रेड। चले भाई, बाहर की तो सैर हो गई 5-6 मिनट की, जो कि इनफ है।
और अब यहाँ पर शुरू हो चुके हैं दिन भर के काम. तो सबसे पहले स्टार्ट किया है यहाँ पर चॉकलेट चिप कुकीज़ को, और किरत ने फरमाइश की है छुट्टी का दिन है तो वीकेंड्स पे फिर वो अपनी फेवरेट चीज़ों का मुझे कहती है, बल्कि उसकी तो कोशिश यही होती है कि वो बनाए, लेकिन अभी छोटी है तो बहुत ज़्यादा मैं उसको इन्वॉल्व नहीं होने देती. जितना हो सके मतलब सेफली तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर लेती हूँ, इसको इन्वॉल्व करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं लगा दूँगी. लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ये किरत के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, प्लस ये कि ये मैं बना के जार में रख दूँगी तो उसको लंच बॉक्स में देने के लिए भी काम में आ जाएंगी. किरत को टू मच च्यूई सॉफ्ट और ब्राउन, जो थोड़ी ज़रा डार्क ब्राउन हो जाती हैं कुकीज़, वो नहीं पसंद. तो यहाँ पर मैंने ये चेंज किया है, ब्राउन शुगर थोड़ी कम ऐड किया, वरना 1:1 का रेशो होता है बेसिक रेसिपी में. प्लस यहाँ पे चॉकलेट चंक्स के बजाय मिनी चॉकलेट चिप्स प्लस सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स जो रेगुलर आते हैं वो मैंने ऐड किए हैं. कुकीज़ बेक हो चुकी हैं तो आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर, ये मीडियम है, लाइक सॉफ्ट भी हैं लेकिन बाहर से क्रिस्पी हैं. कुकीज़ बेक करने के फौरन बाद यहाँ पर स्टार्ट करती है प्रिपरेशन लंच की, और लंच में है आज मीटबॉल्स विद रेड सॉस और साथ में स्पेगेटी. तो इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है, ये बहुत मज़े की डिश बनकर तैयार हुई थी. स्पाइसेस भी बहुत ही बेसिक और कम है. तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी. वैसे क्विकली बता देती हूँ, नमक, मिर्च, काली मिर्च, इटालियन हर्ब्स, जिंजर एंड गार्लिक पाउडर, सम अनियन पाउडर, और अब ये ऐड किया है ब्रेड क्रम्स 3/4 कप, 1 टीस्पून सोया सॉस. इसको मिक्स करने के बाद साथ में ही जाएगा एक अंडा. अगर मिक्सचर बहुत गीला लगे तो आप ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं. कभी कभी ये समझ नहीं आता, बल्कि अक्सर ही ये समझ नहीं आता ख्वातीन को कि आज क्या पकाएं. ऐसे में यही वो वक्त होता है कि आप या तो कुछ बहुत ही इजी पुराना ट्राई कर लें या फिर कुछ नया ट्राई करें, और इसी तरह नई नई यूनिक रेसिपीज़ आप एक्सप्लोर करते हैं. एंड दिस रेसिपी वॉज अ सक्सेस. कीमे का मिक्सचर जो है उसकी टिप ये है कि आपने हाथों से या उस पर ग्लव्स चढ़ा के आपने अच्छी तरह उसको मैरिनेट करना है. जितना आप मैरिनेट करेंगे उतने ये मीटबॉल्स टेस्टी बनते हैं. यहाँ पर मैंने तमाम मीटबॉल्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं, और अब मैं इसको बेक कर रही हूँ. आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं. मैंने इसको बेक किया था 400 फ़ारेनहाइट पर 22 मिनट के लिए. अब यहाँ पर मैं आपको एक कट करके दिखा रही हूँ. ये कुक हो गए, इसकी पहचान ये है कि अंदर से ये पिंक नहीं होने चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, दैट मीन्स कि दे आर डन. मीनवाइल मैंने स्पेगेटी भी बॉयल कर ली थी और बस अब इसको असेंबल करना है. एक और चीज़, 22 मिनट तो मैंने सिंपल बेक किया था, लेकिन मीट बॉल्स को मैंने 3-4 मिनट ब्रॉयल भी किया था, यानी ग्रिल ऑन की थी ताकि ऊपर एक कोटिंग आ जाए और थोड़ा कलर भी आ जाए. अब यहाँ पर ये प्लेट मैं हस्बैंड के लिए तैयार कर रही हूँ लंच की, और बाकी के मीट बॉल्स जो यूज़ नहीं हुए बच गए वो मैंने फ्रीज़ कर दिए किरत के लंच बॉक्स में देने के लिए. तो देखिए 2-in-1 ये रेसिपी वर्क करती है. तो आज लंच बॉक्स के लिए दो चीज़ें बन गई, एक्चुअली कुकीज़ भी और ये मीट बॉल्स भी. ये मीट बॉल्स आप बीफ में भी बना सकते हैं, प्रोसीजर इज़ सेम. और मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और बहुत ज़्यादा मिर्ची भी ऐड नहीं की, क्योंकि मुझे माइंड में था कि ये जो बच जाएंगे वो मैं फिर किरत के लिए लंच बॉक्स के लिए फ्रीज़ कर दूँगी. डिनर में बनाई थी हम लोग की सबकी मोस्ट फेवरेट दाल, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी. तो आज के लिए बस इतना ही ब्रेकफास्ट टू लंच रूटीन. कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने बारे में ज़रूर बताइएगा कि नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं, मैं कमेंट्स ज़रूर रीड करूँगी. मुझे दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.